नमस्कार। आज अपन बात करेंगे देश के इकलौते कलेक्टर जो दिव्यांग हैं और पैरा ओलंपिक में भाग ले रहे हैं, जो देश के इकलौते कलेक्टर हैं और अभी 24 अगस्त से पैरा ओलंपिक की प्रतियोगिता शुरू हो रही है और ये 5 सितंबर तक चलेगी, उसमें देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये देश के ऐसे दिव्यांग कलेक्टर हैं जिन्होंने अपने संघर्ष की गाथा लिखी और इन्होंने कभी अपनी कमजोरी को महसूस न होने दिया और अपनी कमजोरी को ताकत बनाया और उस कमजोरी से लड़े और सफलता प्राप्त की और लोगों के लिए उदाहरण बने कि अपनी कमजोरी को कैसे ताकत बनाया जा सकता है। लोग इनके ऊपर भी हंसे, लोग इनको भी खूब ताने मारे, लेकिन व्हाट हैपन्ड, इन्होंने कर दिखाया कि मैं अपनी कमजोरी से भी ऊपर निकल सकता हूं, मैंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया है और आज इस मुकाम को पहुंचा। तो कैसे इन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया और कैसे इन्होंने संघर्ष से आज इस मुकाम पर पहुंचे, आइए देखते हैं। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के कलेक्टर हैं अभी सुहास एलवाई, यूपी के गौतम बुद्ध नगर के कलेक्टर हैं सुहास एलवाई। नोट करना, ये देश के पहले ऐसे आईएएस अफसर हैं जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देश के पहले ऐसे कलेक्टर हैं जो टोक्यो पैरालंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साथ ही ये दुनिया के दूसरे नंबर के पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं। यह अपने खेल की प्रतिभा को ऐसा निखारा इन्होंने कि आज ये दुनिया के दूसरे नंबर के बैडमिंटन प्लेयर हैं, दूसरे नंबर के पैरा बैडमिंटन प्लेयर। देखिए अब ये कैसे क्या किया इन्होंने, ये देखिए। शुरुआत में ये आईएएस नहीं बनना चाहते थे, शुरुआत में आईएएस नहीं बनना चाहते, कहते हैं कि इनको खेल में बहुत रुचि थी। ये कर्नाटक के छोटे से शहर सिगोमा में जन्मे, छोटा सा शहर था, उन्होंने इनके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो इनकी पढ़ाई भी जगह जगह होती रही, कहीं एक जगह नहीं पढ़े, अलग अलग जगह इनकी पढ़ाई चलती रही क्योंकि फादर का ट्रांसफर होता रहा और ये अलग जगह पढ़ाई करते रहे। जन्म से ही ये दिव्यांग, जब भी पैदा हुए तभी ये दिव्यांग पैदा हुए। पैरों में चलने में दिक्कत थी, देखिए आप इनकी कमजोरी देखिए, इनकी कमजोरी ये थी कि पैरों में चलने में दिक्कत थी। अब कुदरत का खेल देखिए, इनको खेल में रुचि थी, पैरों में दिक्कत, खेल में रुचि, ऑब्वियसली लोग तो मजाक उड़ाएंगे। जब ये खेलते थे ना अपने गली मोहल्ले में, इनके घर वाले कहते थे बेटा तू पढ़ाई कर और कुछ आईएएस कलेक्टर या कुछ अच्छी पोस्ट पे तू पहुंच, लेकिन इनकी रुचि खेल में थी और जब ये खेलते थे ना तो लोग इनकी मजाक उड़ाते, यहां तक कि उनके जो सहपाठी थे, इनके जो मित्र थे, वो भी मजाक उड़ाते थे कि जब वो ऐसे चलने में ऐसे दिक्कत है तो तुम कैसे खेलोगे और बार बार इनकी मजाक उड़ाते थे। लेकिन इस मजाक को इन्होंने ताकत के रूप में लिया, उस आलोचना को इन्होंने बाहर नहीं निकाली, अंदर ही अंदर उसमें मजबूती लाए, एक स्ट्रॉन्गनेस लाए अपने शरीर में कि कैसे आज ये लोग मजाक कर रहे हैं ना, एक टाइम ऐसा आएगा यही लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। और इन्होंने कर दिखाया, देखिए जब भी खेलते थे तो समाज वाले की बहुत ही ताने मारते थे और ऑब्वियसली जब पैरों में दिक्कत होती है जब आप खेलते हो ना तो लोग बहुत से जगह तो कहते हैं, बहुत से जगह अंदर ही अंदर की मजाक उड़ते हैं, यार क्या खेलेगा यार, जब पैरों से ढंग से चल नहीं पा रहा तो कैसे क्या खेलेगा, लोग ऐसे खूब मजाक उड़ाते हैं और बाकी की दुनिया ऐसी उड़ाते हैं, बिल्कुल उड़ाते हैं। जब इनका टर्निंग पॉइंट कब आया, जब पिता की मौत हुई 2005 में और ये पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन अपने आप को संभाला, अपने आप को उस कंडीशन से बाहर निकाला और वहीं से उन्होंने लक्ष्य तय किया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। फिर इन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और पास भी की और कलेक्टर बने। अब देखिए
इनके खेल की रुचि थी। अब कलेक्टर बन गए, इतना टाइम होता नहीं है कि इधर ऑफिस को भी टाइम देना, इधर गवर्नमेंट के काम भी करना, इधर पब्लिक को भी हैंडल करना, सब कुछ कैसे है। लेकिन इनकी जो रुचि थी, इन्होंने जो अपना मेन उद्देश्य था, उनको उन्होंने छोड़ा। कलेक्टर बनने के बाद भी इन्होंने बैडमिंटन को शौक के तौर पर खेलना शुरू किया। बचपन में बैडमिंटन खेलते थे, जब कलेक्टर बन गए थे तो एक शौक के तौर पर जब वहां से टाइम मिलता था घर पर बैडमिंटन खेलते थे। धीरे 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 ऐसे बैडमिंटन खेलने लगे और फिर आगे क्या हुआ, जब कुछ प्रतियोगिताओं में मेडल आने लगे ना, जब शुरुआत में धीरे धीरे वो खेलने लगे और कुछ प्रतियोगिता उन्होंने भाग लिया, धीरे धीरे मेडल आने लगे, तो उनको अंदर अंदर अपने आप से कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ कर सकता हूं, मेरा बचपन की जो तमन्ना थी वो आज मैं इसे उतार सकता हूं, और वो कॉन्फिडेंस वो लाए। फिर इन्होंने प्रोफेशनल तरीके से खेलना शुरू किया और 2016 में इन्होंने इंटरनेशनल मैच खेला, 2016 में इन्होंने इंटरनेशनल खेला जो अभी तक जारी है। अब ये कैसे मैनेज करते हैं, ये कहते हैं दिन में ये ऑफिस का काम संभालते हैं और रात को डेली 3 से 4 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए सब कुछ इतना आसान नहीं लगता है। आप कलेक्टर की पोस्ट पे हो, आप भी जानते हो कितना काम होता है कलेक्टर को, लेकिन फिर भी अपने जोश और जुनून को अंदर इन्होंने रखा और मुझे कुछ करना है, और रोज शाम को 3 से 4 घंटे की एक कंसिस्टेंसी रखी, एक प्रैक्टिस रखी बराबर कि मेरे को कुछ करना है। और आज वो उस मुकाम पर पहुंचे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग ले रहे हैं और देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये ऐसी कहानी है जो आपको झकझोर देगी। इन्होंने अपनी कमजोरी को कैसे ताकत बनाया ये देखिए। इनसे अच्छी सीख आपको कहीं नहीं मिल सकती। लोग कैसे कैसे बहाने बनाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो संसाधन नहीं है, मेरे पास परिवार का सपोर्ट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, अगर ये सब होता तो मैं क्या 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 कर लेता। व्हाट इज दिस, क्या कर रहे हो आप? लोग कमजोरियों में भी कुछ के कुछ कर जा रहे हो और आप सफलता के लिए बहाने बना रहे हो। दिस इज नॉट राइट, दिस इज योर फेलियर। अगर आप इस तरह के बहाने बना रहे हो कि मेरे पास ये होता तो मैं वो करता, ये होता तो मैं वो करता, दिस इज नॉट गुड। आप सीख ले सफलता की इनसे कैसे अपनी कमजोरी को ताकत बनाए। इसी के साथ आज ही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और ऐसे ही वीडियो में आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा।